करके हमने अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हमने रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हमने अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के दीदी एक आदमी आया है अपना नाम गिरीश नाथ बता रहा है। गिर्रा तुम बाहर क्यों खड़ा था? अरे मैं तो अंदर आ रहा ही जा रहा था पर ये अब गवर्नमेंट क्या नहीं अरे ओपीडी की ट्रीटमेंट देकर मुझे बाहर ही भगा रहा था वो आप बता जाना कैसे पानी फिर चाय फिर बताना सैमसन पानी और ये चाय लाना। अब बताओ ना गिरीश अचानक कैसे आए? अरे भाई अचानक कहाँ, पिछले एक साल से ट्रांसफर के लिए लड़ रहा हूँ। ये गवर्नमेंट यू नो जहाँ उनका दिल चाहे डॉक्टरों को उठाकर फेंक देती। 5 साल से कानपुर में ये सर्जन गिरीश ना। अरे भूल गया था मैं कि मैं सर्जन हूँ। पेशेंट्स को सर दर्द जुकाम या नजलों की गोलियां बांटना। वैसे तुम अचानक ही हमारी जिंदगी से गुम हो गए। मैं अकेला ही नहीं बहुत सारे लोग गुम हैं। शिवानी उनमें से कुछ तो अब मिलेंगे भी नहीं। रोहित कैसा है? अच्छा। मुलाकात हाल ही में। शहर एक और हाल ही में। इत्तेफाक की बात है गिरीश, इतने सालों से मुलाकात नहीं और जब हुई तो अब कुछ दिन पहले। तुम्हारा पति कहाँ है? अविनाश हॉस्पिटल गया है, जल्दी निकल जाता है। अविनाश गुड नेम। शिवानी अविनाश साउंड्स गुड। हॉस्पिटल कौन सा हॉस्पिटल? नेशनल हॉस्पिटल ईस्ट विंग चीफ फिजिशियन एस्मा एंड चिल्ड्रन पर रिसर्च कर रहा हूं। व्हाई आर यू लाफिंग? अरे नेशनल हॉस्पिटल सी विंग सर्जन गिरीश नाथ का भी ट्रांसफर वहीं पर हुआ है। तब तो तुम्हारी उससे रोज ही मुलाकात होती रहेगी। और अभी इस वक्त इस घर में मेरी चाय के साथ मुलाकात कब होगी? अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। सैमसन मुझे घर से बाहर निकाल दे। अरे गवर्नमेंट का आदमी है। अच्छा ठीक है तुम रुक जाओ मैं ही चाय लेकर आती हूँ। प्लीज एक चम्मच शक्कर। क्या करता है? कौन बोल रहा है? तेरा बाप। अबे गिरीश नाथ तू जिंदा है? बिल्कुल ताजे में लेकर कब आए? आज अभी सवेरे। कहां से बोल रहे हैं? शिवानी के घर से। बुरा मत मान। अरे यार तेरे को तो मालूम है मैं तुझसे ज्यादा शिवानी से प्यार करता हूँ। कब मिलते हैं? मिलते हैं आज लंच पर। कहाँ? अरे वही अपनी पुरानी जगह। ओके ऑलराइट बाय बाय।
बदला वैसे का वैसा ही, बिल्कुल मोटा नहीं हुआ। तू कौन सा पतला हुआ है? पतला मतलब खाना छोड़ दूं? अबे ये हवा खाकर भी मोटा का मोटा ही रहेगा शिवानी है। और दोस्त कब तक है यहाँ? Forever. मैं नहीं मानता, इसका मन यहाँ फिर भर जाएगा और ये फिर फुर। मान ले विकी, ये मन है ना कभी नहीं भरता। अब इतना भरने के बाद भी खाली का खाली है। अच्छा बोला है, अच्छा। चश्मे प्लीज। मैडम ऑफिस चले? चलना था मगर ये जो आ गए। ये ऑफिस नहीं जाएगी, आज इसने छुट्टी ली है, आज ये सिर्फ मेरे साथ रहेगी लंच से डिनर तक। लेकिन गिर्रा मेरा ऑफिस जाना बहुत जरूरी है यार। सोच ले, फैसला कर ले, जरूरी क्या है, दोस्त या दफ्तर? यार जब सोच के फैसला करना है तो मारा गोली ऑफिस को यार। और क्या? लेकिन विग्गी। अरे यार लेकिन क्या तेल लगाना है यार, ये कौन सा रोज रोज आता है यार, दोस्त है यार। आज ऑफिस क्या, आज तो पूरा मगर होना चाहिए। तू भी नहीं जाएगा ना? नहीं यार मुझे काम है। मुझे मतलब बेटो, देख अपन काम करते हैं, अपन शाम को मिलते हैं ना। अरे क्या 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 एक एक यार। अच्छा भाई साहब आप शाम को कहाँ हैं? यहाँ पर, मतलब इनके अविनाश से मिलना है। अरे फैंटेसिक, शाम को मिलते हैं ना, चल सी यू। ओके सी यू मॉर्निंग, बाय। विकी जाते जाते सोच ले, जरूरी क्या है जिंदगी में, दोस्त या दफ्तर? नहीं यार दफ्तर दफ्तर। यानी कि मुझे लंच पर लेके जाने वाले थे वो कैंसिल। ओह आई एम सो सॉरी गायत्री। कोई सॉरी वॉरी नहीं, लाओ मुझे दो तुम्हारे उस दाढ़ी वाले का फोन नंबर, मैं उसे बुलाती हूँ, वो भी हमारे साथ खाएगा। कहाँ से बोल रहा था? शिवानी के घर से। जीवन क्या है, चलता फिरता एक खिलौना है। जीवन क्या है, चलता फिरता एक खिलौना है। दो आँखों ने एक से हंसना, एक से रोना है। जीवन क्या है, चलता फिरता एक खिलौना। जो जी चाहे वो मिल जाए, कब ऐसा होता है। हर जीवन जीवन की समझौता होता है। ये सब इतने सालों बाद। Hey, nice to meet you. शिवानी। नमस्ते मैडम। Just excuse me, I'll just come. वो रोहित सर नहीं आए मैडम? वो अक्सर आपके साथ बहुत आया करते थे ना, आप लोग वहाँ बैठा करते थे, याद है ना? आप बैठिए, मैं अभी हाजिर हुआ। मैं शिवानी जन्म जन्म तक रोहित कुमार का साथ दूंगा।
पूरा पूरा है। हाँ। मैं शिवानी रोहित कुमार का साथ जन्म जन्म तक नहीं छोड़ूंगी। हाँ लेकिन स्टाइल में आंखें मैं शिवानी शहर के सबसे बड़े पागल रोहित कुमार के साथ जन्म जन्म का क्या 5 मिनट का साथ भी नहीं निभाऊंगी अगर उसने यही पागलपन जारी रखा तो। ये तुम्हें पागलपन लगता है? और नहीं तो क्या, तुम बार बार उसे ये क्यों कहलवाना चाहते हो? मैं सुनना चाहता हूँ इसलिए। रोहित कुमार का साथ जन्म जन्म तक नहीं छोड़ूंगी। वादा? ये भी पूछोगे अब? वादा। जो जी चाहे वो मिल जाए कब ऐसा होता है हर जीवन जीवन समझौता होता है अब तक जो होता आया है वो ही होना है जीवन क्या किरा, रोहित। हाँ? तुमने उसे बुलाया था? क्या फर्क पड़ता है? तुमने मुझे बताया तक नहीं। शिवानी ऐसा सोचकर नहीं बताया था कि बताना नहीं है। रोहित कैसा है तुम? हे रोहित शिवानी के घर। अरे ये काफी बुरा मान गया कि मैं पहले तेरे घर क्यों आया, पहले तुझे क्यों मिला वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा ये बता, तू फ्री तो है ना आज पूरा दिन, या फिर ये डेट वो डेट, यहाँ जाना है वहां जाना है और हमें सेक्रेटरी के चक्कर मारने पड़ेंगे? यार सारा टाइम तुम्हारे लिए निकाला है। That's my good boy. Excuse me, sir. वो व्हाइट 9881 आपकी गाड़ी है? मेरी है, क्या हुआ? उसे जरा साइड पर लेना पड़ेगा क्योंकि पीछे से एक गाड़ी निकालनी है। अच्छा एक एक अरे मैं कर दूंगी। कैन आई हैव द प्रिविलेज ऑफ ड्राइविंग? चल कम ऑन चल। उस दिन फोन वाली बात का बुरा लगा? नहीं, तुमने ठीक किया शिवानी, बल्कि अच्छा ही किया। मैं कुछ जरा सा बह गया था। मैं तुम्हें दोष नहीं देती रोहित, होता है। दोबारा मिलने के बाद
यादें तेजी से आ आकर सताती हैं। मन पर काबू रखना मुश्किल हो जाता है। मगर क्या करें, मन का क्या, वो तो पागल घोड़े की तरह बिना किसी दिशा के, बिना किसी मकसद के भागते ही रहना चाहता है। मगर जीवन के कुछ उसूल हैं, नियम हैं, जिंदगी की अपनी कुछ शर्तें हैं जो उसने हमारे सामने रखी हैं, और हमें बिना शर्त माननी पड़ेगी। और फिर रोहित, हमारी जिंदगियां अकेली नहीं है, हमारी जिंदगियों के साथ साथ कुछ और जिंदगियां भी जुड़ी हुई हैं जो हमारे सही या गलत कदम पर बहुत निर्भर करती हैं। रोहित, जो हम दोनों के बीच सालों पहले हुआ वो दफन हो गया है। वो आग अब जरा सी चिंगारी बनकर रह गई है जो कभी बुझेगी नहीं। मगर उस जरा सी चिंगारी को हवा देकर तुम अपने घर का उजाला मत, और हो सके तो मुझे ऐसे फोन करना बंद कर दो जहां तुम अपना नाम नहीं बता सकते। I'm sorry, Shiva. और मुझे तुम्हारा मेरे दफ्तर आना भी अच्छा नहीं लगा रोहित। ऐसा फिर से कभी नहीं होगा शिवानी। दरअसल हमारे अलग होने के बाद मैं तुमको कभी अपने जहन से निकाल ही नहीं पाया। शायद इसी को मृग तृष्णा कहते हैं। जिसे देखा उसे कभी नहीं पाया, बस भागते रहे उसके पीछे। मैं तो अभी तक भाग रहा हूं। मत पीछा करो इतना जिंदगी का रोहित। अंत में सिर्फ मुट्ठी भर यादों से ज्यादा तुम्हारी हथेलियों में कुछ नहीं समाएगा। गायत्री कैसी है? और अविनाश? अच्छा है। तुम्हें बहुत पसंद करता है वो रोहित। जो जी चाहे वो मिल जाए,
कब ऐसा होता है, हर जीवन जीवन की समझौता होता है। जो जी चाहे वो मिल जाए, कब ऐसा होता है, हर जीवन जीवन समझौता होता है। अब तक जो होता आया है वो ही होना है, जीवन क्या है, चलता फिरता एक खिलौना है, दो आँखों में से हंसना एक से रोना, जीवन क्या है, चलता फिर